तो देख सकते हैं खूब सुंदर दिख रहा है, लाल हो गया है मछली है जैसा लग रहा है, मछली है जैसा एकदम दबक रहा है। अब इसको बलने देना है ना। हाँ थोड़ा उसमें रस नहीं घुसेगा तो कैसे होगा। हे गाइस हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं मम्मा? कच्चे पत्ता तोड़ने। आज कच्चे पत्ता का सब्जी बनाएंगे, तो चलिए हमारे साथ बगान में। मछली जैसा वाला ना? हाँ मछली वाला, एकदम पूरा मछली वाला टेस्ट आने वाला है एकदम। कच्चे पत्ता से कैसे मछली जैसा सब्जी बनाना है वो हम लोग आज रेसिपी में आप लोग को देंगे। तो चलिए पहले बगान से तोड़ेंगे। तो मेरी मम्मी ऐसे टमक टमक जा रही है, कितना सुंदर हरा हरा एकदम कच्चू साग हुआ है। और इसको हम लोग सोच रहे थे बहुत दिन से वीडियो बनाएंगे, पर चलिए आई नहीं मिल रहा था और आज चलिए मौका मिल ही गया, हम लोग कच्चू वाला वीडियो बना लेते हैं। अरे हम लोग की बेटी कहाँ बेटी? मैं अभी देखने आई है ना। हाँ तो चलो चलिए मम्मी इसको काटिएगा तो फिर ये सब उग जाएगा। इसमें नहीं उगेगा, वो डंटी को नहीं काटना होता है ना, खाली पत्ता को। पत्ता को बनाएंगे आज। ओहो और इसको ऐसा बढ़िया से धो लेना है गाइस। पर गाइस ये तो वाटर प्रूफ है, वाटर पानी सीखते ही नहीं है। देखिए मम्मी एकदम धो के पूरा चकचका दी साग को, एक ठो भी करिया नहीं है। तो माँ आप कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे जरूर। तो अभी हम लोग चलिए इसको बेसन को निकालते हैं। ये रहा बेसन हमारा। तो इसका रेसिपी कैसा कैसा है पूरा एक एक करके आप लोग पूरा दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले ये चना का बेसन को हम लोग को ऐसे फाड़ना होगा गाइस। फाड़ने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, चलिए फट ही गया फिर। चलो ना जा बेटा जा उधर। चलो ना बेसन हमारा, बेसन को हम इसमें डालेंगे बर्तन में। क्या करना अभी? ये थोड़ा ढेला ढेला है उसको हम फोड़ रहे हैं। अब इसको पानी दे के थोड़ा सा घोलना है, इसको पेस्ट बनाते हैं। चलिए चलिए तो ये देख सकते हैं कि कच्चू पत्ता ली है माँ और ये बेसन का अच्छा से पानी से मिला के ऐसे घोल लिया, घोल पेस्ट बन गया। हाँ तो अब चलिए इसको हम लोग इसमें लेप लगाते हैं कच्चू पत्ता में अच्छा से। तो देख सकते हैं इसको हम लोग इस तरह से लगा रहे हैं और फिर से ये पत्ता को भी इसी के ऊपर लगा दे रहे हैं सबको। मतलब एक ही में करेगी, मोड़ देगी ना? हाँ एक ही में मोड़ देंगे। अच्छा ये रहा, इस तरह से अच्छा से बेसन का लेप लगा देते हैं। तो चलिए अब इसको फोल्ड कर लेते हैं अच्छा से, मोड़ देते हैं। एकदम टाइट फिट से ना। और उसके बाद इसको धागा से बांधना होगा। हाँ धागा से बांध देंगे इस तरह से। ये बहुत बड़ा है और हमारे बर्तन में नहीं अटेंगे, इसलिए इसको बीच से पार्ट कर देते हैं, भाग कर देते हैं। मतलब पार्ट कर देते हैं, उसका हिंदी में होता भाग कर देते हैं वो। ये भी बोल रहा हूँ सही मतलब बोली मम्मी। धागा है, इनॉग्रेशन हो रहा है घर का। और एक छोटा धागा दो, दो गो है ना। खुल जाएगा नहीं तो। देखिए मैया खुशी से पागल हो रही है, बोल रही है कि कच्चू साग बनने वाला है। क्यों खुशी है? खुश है पर हम पागल कहाँ बन रहे हैं। अभी मुंडी घुमा रही थी तुम। ये बंद चुका है देख सकते हैं, और हम इसमें पानी डालेंगे। गैस को ऑन करते हैं उतार के। चलिए मोमो बर्तन
और इसी में हम लोग बॉईल करेंगे अभी इसको। गैस इसमें हम लोग इसमें सारा चीज बॉईल कर लेते हैं, देख सकते हैं इस तरह से रख देंगे। और ये केक भी इसी में बन जाता है, मोमो भी इसी में बन जाता है, बहुत काम का बर्तन। चलिए और इधर तब तक फिर मसाला तैयार करेंगे। ये प्याज कटिंग हो गया है देख सकते हैं, और ये अदरक, ये लहसुन, ये मिर्चा, धनिया, सरसों, जीरा गोलकी और ये इमली, ये सारे चीज सारे मसाला हम तैयार करके रखे हुए हैं। और इसको हम पीस लेते हैं। ये देख सकते हैं हम लोग का अभी लाइट चल गया था, हम लोग ग्राइंडर की जगह ही पूरा देसी तरीके से देसी सिलोट में हम लोग पीसेंगे मसाला। हाँ जी, अभी स्केल होता है, हम लोग चूहार हम पीसेंगे तो क्या से क्या हो जाएगा, दर्रारा निकाल देगी तुम लोग तो। हम लोग वो भागवे करेगा, गीला है ना थोड़ा सा। तो हम लोग का मसाला पिसा गया देख सकते हैं, अच्छा से पिसा गया, महीन एकदम तैयार हो गया है देख सकते हैं, पूरा पक गया है। तो हम लोग गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे। इसमें हम निकालते हैं इसको हवा लगने के लिए। हाँ जल्दी ठंडा आएगा, हवा लगाएंगे, पर इससे पहले हटाते हैं। वही तो करने का कोशिश कर रहे हैं भाई, देख रहे हैं ये एकदम मजा पक गया है। तो अभी हम लोग चलते हैं इसको टेस्टी सब्जी बनाएंगे। चलिए इसको पीस बनाएंगे हम लोग। देखिए कितना अच्छा पीस रहा, देखिए टेस्टी जैसा, मछली जैसा एकदम, मछली का ये आकार में देखिए। हाँ ये मछली का पेट है, इसका हम लोग काट रहे हैं, मुंडी गायब हो गया, हम पूंछ दो ठो मिलेगा। फाइनली देख सकते हैं एकदम मछली जैसा कट गया है। और कढ़ाई हम लोग चढ़ाएंगे, तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं खूब सुंदर दिख रहा है, लाल हो गया है एकदम, मछली जैसा एकदम, और आकार में भी मछली जैसा। हाँ तो ये देख सकते हैं, अब इसका ग्रेवी बनाएगी मम्मी। तो चलिए प्याज डालते हैं। हाँ तो देख सकते हैं मसाला, ये प्याज भुजा गया, क्या बोल रहे हैं, और हम मसाला को डालेंगे। हल्दी तो नहीं पीसे हैं, इसलिए हल्दी हम लोग इसी हिसाब से डालेंगे, अपना कलर के हिसाब से पाउडर वाला है। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे हम लोग, ग्रेवी में डालेंगे, जैसे कि झोर बना रहे हैं तो मसाला ही में डाल देते हैं। हाँ तो ये हो गया, हम लोग का मसाला तैयार हो रहा है। ये रहा इमली का झोर, देखिए थोड़ा कच्चू पत्ता है तो चुभे ना। हाँ जी, क्या बोलेंगे, कुलकुलाता जिसको बोलते हैं, कुलकुलाता है तो वो काटे ना हम लोग का मुंह में, इसलिए इमली से उसका ये कर देते हैं, इमली डालने से नहीं काटता है। हाँ तो चलिए इमली को हम लोग अच्छा से ये कर लिए हैं, इसको बाद में डालेंगे, अभी नहीं, अभी मेस दीजिए। हाँ मेस के रख दिए, इसको मसाला अभी पका रहे हैं, मसाला पकाने के लिए थोड़ा पानी दे के करना पड़ता है, जल जाएगा। हाँ जल जाएगा, तो जब तक तेल नहीं छोड़ता है तब तक हम लोग मसाला को भूनते रहेंगे, तो तब हम लोग का सब्जी अच्छा बनेगा। हाँ तो देख सकते हैं तेल छोड़ रहा है, देख रहे हैं अभी भून जाया नहीं है, थोड़ा आएगा और भून जाएगा उसके बाद। देख सकते हैं एकदम पूरा तेल छोड़ दिया, पूरा मसाला तैयार हो गया देख सकते हैं, चढ़ा के भून दी मम्मी। अब इसमें पानी डाल देंगे,
ये वो डबकेगा उसके बाद डालेगी ना। हाँ, इसको भी हम लोग डाल देते हैं, इमली को जो भिंगा के रखे थे उसको भिंगा के थोड़ा देर छोड़ना होता है ना, एक दो घंटा। हाँ, तब ना उसमें मिलेगा अच्छा तरह से, ये हो जाएगा। बॉईल हो गया तो अब इसमें हम लोग ये मछली को यानी कि कच्चू पत्ता को डालेंगे। देख सकते हैं एकदम दबक रहा है, अब इसको उबलने देना है ना। हाँ, थोड़ा उसमें रस नहीं घुसेगा तो कैसे होगा। हाँ, मजा नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा गर्म है गाइस। ओ भाई, मछली का चोया निकल गया, उस टाइप का दिख रहा है। हाँ, एकदम नितेश भैया जैसा, एकदम नितेश भैया का असर पड़ गया लगता है। हाँ, एकदम गर्म गर्म छूता है नितेश, कहीं भी जाता है तो एकदम ये कितना गर्म रहे, एकदम उबलता हुआ, फिर भी वो टेस्ट कर ही के रहता है और बहुत अच्छा एकदम। गैस खाए और ये 10 out of 10 है, 10 out of 10 है। और ये गैस असल में साग है, कच्चू साग, पर एकदम मछली वाला टेस्ट कर रहा है, सच्ची में मछली वाला टेस्ट कर रहा है वो, सही में। चलो, हम पहली बार बना के और हमको मैया नंबर दे दी तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, और गैस आप लोग ये मत सोचिएगा कि वीडियो के लिए मछली ऐसा बोल रहे, सही में मछली अच्छा लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले वेज चिकन लेग पीस बहुत वायरल हुआ था, जो सोयाबीन से बना रहता था, ये वेज फिश है। तो बेटी को रहल नहीं गया और वीडियो एडिटिंग करते हुए आई है और बोल रही है कि मम्मी हमको खिला दो ना एक गाल, हम चखेंगे। तो लोग सोचे थे कि बिहाइंड दी सीन खाएंगे, मतलब बिहाइंड दी कैमरा खाएंगे, लेकिन अब चलिए। हाँ।